किसानों की धरती से पंजाब की धरती से उन्हां दी हिक विच परछा कढ़िया दिल्ली वाले ने। मैं जब घरों चलिया सी ते मैं घरदियां नूं कह के आया सी सारे पिछे थोड़े पुत्र युवराज नूं कि गल सुनो मेरी, मैं जिंदगी च घरे बैठा रहा भी बड़ा कुछ रब ने मैनूं देता है, बहुत कुछ मैं तां मैं की लैणा है। मैं कहा मेरी आत्मा मैनूं कोसिया करूगी, क्या करूगी, लख लाणत तेरी जिंदगी ते। युवराज सिंह तेनों आ रही लानत पाया करनगियां जे तू अपने पंजाब की धरती वास्ते, पंजाब के किसानों वास्ते तू अपना सिर नहीं दे सकता, अपना खून नहीं दे सकता। मैनूं शर्मिंदगी रहूगी सारी जिंदगी। जे मैं जोड़ा घर आ गया तो बहुत चंगा, पंजाब खुशहाल होऊंगा। जे मैं ना आया तुहानूं फकर होऊंगा कि साडे पिता जी साडे बुजुर्ग मेरे मन वडेरे मेरे गुरु शान नाल क्या करेंगे और साडा पुत्र चलिया होगा जिहड़ा पंजाब की धरती वास्ते शहीद होया। मेरी अक्खां नूं हंझू हजार बार दिन चाहुंदे ने जब मैं सोचदा कि मेरे वर्गे ने तुसीं अपने मोढे ते बिठा के सूरज चांद की रोशनी दे दी। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उन्होंने बुला के क्या कहता रहा, कहना मास्त तारा दो पंजाबी सूबा मिलता लैला दिल्ली तक मिलता, ऐडा वड्डा पंजाबी सूबा मिलता लैला, कहता जी हमें लैला। मास्त तारा सिंह को जवाहरलाल नेहरू कहता है गोदी च बिठा के अपनी गोदी बिठा के कहता है लै तेरा साडा तो नौ मास का रिश्ता है, ऐसी तरह तो मां के पिछले जमे। उन्हें लख दुहाई पाई विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्हें कहा आजादी ना दी, अजे 100 साल होर राज कर लो, ये लोग हिंदुस्तान रेट सौंप देने ना करो। मेरे रिश्तेदार मेरे जानकर मैं कहते पर हम पिछले हफ्ते तो की होया मैं घर से कहते आओ जी प्यारे हो आ साडा बापू आ साडा फलाना, मैं की हो गया कहते जो तू बोलता ना साढ़े जरिए शुरू हो। मेरी औरत मेरे को बैठ के रोई है, मेरे बच्चे रोए हैं कि कहते बापू जी मैं ना छड़े जी अपने पंजाब वास्ते थोड़ा शहीद भी होना पै जाएगा हो जाए सानू फकर होगा। बस मैं कभी सुन लगा मैनू कसम है परवरदिगार दी, मैनू कसम है अपनी जमी मां दी, मैं थोड़े चरणा की धूड़ा हूं खुश हूं। जितने मैं काला साहब जाना हूं बाबा दीप सिंह जी महाराज को बापू जी को, उथे बाबा दर्शन सिंह जी होंगे है, तुसी भी जाके आयो कड़े पा के आयो गुरु वाले पढ़ के आयो देखो कृपा किवें होंदी। मैं उन्होंने कहा मैं बाबा जी हुण बहुत कर ली बहुत हंडा ली, बड़ा प्यार मैनूं लोकां ने दिता है, इस पंजाब की धरती का मैं देना नहीं दे सकता, भावा मैं कई बार जन्म लैके इस धरती शहीद होता हूं। और मैनूं कहण लगे बेटा पूरी गल कर ला फिर तेन मैं जवाब दिना। मैं कहा जी मेरी तमन्ना है कि मेरी देह ताना साहब आवे ते पंज सिंह नूं दाग ला देन, मैं समझूंगा मैं अपने बापू जी के चरणों च रह गया। उन्होंने मैनूं घुट के जफ्फी पा ली, मैनूं कहण लगे इस तरह नहीं कहना, ते मेरी अखां च हंझू भी सी, उन्होंने मेरे हंझू पूंजे कहंदे बेटा अजे गुरु घर ने ते तो बहुत कम लेना है, बड़िया सेवावां लेनियां, अजे बहुत टुटिया नूं जोड़ना है, अज तेनों टाला साहब बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों से तेरे पिता जी तो मैं थापी लेके तोड़दा। कौम नूं जगाउणा बहुत जरूरी है और एक बंदे का कम गुरु घर का ही होना चाहिए कि जा जाके कौम नूं जगा सुनेहा दे गुरुआं दा पीरां दा शहीदां दा। मैनूं नहीं सी पता वह की कह रहे हैं की उन्हां दा मतलब है, क्योंकि महापुरशां की गल छेती करके समझ नहीं आती। मैं घरे आया पर रौला पाया बहुत कि बिल पास होया
किसानों की धरती से पंजाब की धरती से उन्होंने हिक विच परछा कढ़िया दिल्ली वाले ने बड़ा दुख होया। मैनू उम्मीद नहीं सी कदे भी इन्ने साल दिखता जरूर सी पर उम्मीद नहीं सी। मैं गुरु घर जाके अरदास करता हूं सी महाराज देखियो कितने ऐडा वड्डा थोड़ा पंजाब सी निका जा रह गया इन्हां लोकां नूं कोई दुख ना आवे। और दर्द और जागे इस करके कि मेरे माता जी जब मैं छोटा जा सी पिठ विच पा के पिछे ट्रैक्टर चलाना यूपी बाईलास ट्रैक्टर वड्डे वड्डे होंदे सी 2400-2500 किला पैली सी मेरे बुजुर्गों को पहले पंजाबी सी जिहड़े जाके उत्थे विराजमान होए कलेच पिंड इथे लोग मूहड़िया पीते होंगे लुटे हाले धंधारी मैं क्या रोना मेरी मां ने दुध चुका फिर पिछे पा देना 100-100 किला मेरी मां ने लाया। मेनू दर्द है किसान का मेनू पता है। मैं जब घरों चलिया मैं घरदिया नू कह के आया सी सारिया पिछे थोड़े पुत्र युवराज नू गल सुनो मेरी मैं जिंदगी चे घरे बैठा रहा भी बड़ा कुछ रब ने मेनू देता है बहुत कुछ मैं की लेना है। मैं क्या मेरी आत्मा मेनू कोसिया करूगी क्या करूगी लख लानत तेरी जिंदगी ते जिस पंजाब की धरती ने तेरे पुरखा ने जिद्दोजहद कीतियां शहीद हुए जिस पंजाब की धरती लई मातावां भैणां धीआं साडियां शहीद हो गईयां छोटे छोटे लाल कटा के हार बना के अपने गला च पवा लई आ योगराज सिंह तेनों आ रही लानत पाया करनगियां जे तू अपने पंजाब की धरती वास्ते पंजाब के किसानों वास्ते तू अपना सिर नहीं दे सकता अपना खून नहीं दे सकता। मैनू शर्मिंदगी रहूगी सारी जिंदगी जे मैं चाहता घर आ गया तो बहुत चंगा पंजाब खुशहाल होगा ते जे मैं ना आया तुहानू फकर होगा कि साडे पिता जी साडे बुजुर्ग मेरे वड्डे मेरे गुरु शान नाल क्या करेंगे और साडा पुत्र चढ़ा होगा जिहड़ा पंजाब की धरती वास्ते शहीद होया। मैनू दुख इस गल का मैं कोई कलाकार नहीं मैं कोई खिलाड़ी नहीं मेरे कोई औकात नहीं मेरा कोई वजूद नहीं मैं थोड़ी जुटी की मिट्टी नहीं। तुसी मैनू प्यार दिता सत्कार दिता मेरे अखा चो हंजू हजार बार दिन चाहते ने जब मैं सोचना कि मेरे वर्गे ने तुसी अपने मोटे ने बिठा के सूरज चांद की रोशनी दे दी मेरी इन्नी औकात नहीं सी मेरे घर के भी इन्नी औकात नहीं सी जिन्ना प्यार सम्मान ते मान मेरे को पंजाब की धरती ने दिता है पंजाब के लोगों ने दिता है। मैं जवानी वेले जब शूटिंग करता सी ए भी गल्लां मैनूं याद आउंदियां असीं पै पिंड च जाना पिंड वाले बजुर्गों ने कहना माताओं ने कहना जा जाके होटल जिथे जाना जाओ साडा मुंडा साडे कोल रहूगा। मैं हर पिंड च रहा मैनू रोटी पानी 40-40 किले जटा ने मिधते ने कणक दे झोने ने ते मैं माफी मंगनी उन्हें कहना ना पुत तो तेरा ही है तेरा काम तो सब तो भी बड़ा औखा है सारा दिन धुप्पे रहना मैनू दसो मैं तुहाडा कर्जा लाभा तो किवें लाभा। लेकिन मैं कुछ गल बुलंद वर्ष यह कहना आया जो गुरु घर च मैनू थापड़ा मिले और थोनू कह रहा है जरा अपने अपने गिरेबाज जाति जरूर मारे पंजाब की धरती और गल दसना है जिड़िया किसी को इतने पता नहीं शायद बुजुर्गों को पता हो मेरा धर्म है मेरा फर्ज है तिब्बत तो लैके कश्मीर तो लैके कंधार तो लैके दिल्ली तक थोनू वड वडेरिया ने पंजाब दिता सी गुरु महाराज 10 गुरु साडे उन्होंने अपन जाना वारतियां घर वारते परिवार वारते थोड़े वास्ते। उस तो पहला मैं कई बार इन्होंने पूछता हूं अज एयर कंडीशन कमरे च बैठे है मैं गजनी का ना सुने जी वह कौन सी मैं तेरी मासी का मुंडा सी थानू नहीं पता गजनी कौन सी गजनी वह सी मुगल जद उन्हें हिंदुस्तान नू फतेह किया ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
जब राज सी का बेच होने तो सिख राज नहीं सी बने और नबिया कर रहे थे जवान कुड़िया और फौजी इलाज करना करते छोटे छोटे बच्चे वढ़ दिंदा सी सिर ला दिंदा सी ते खून का प्याला एक रोज पींदा सी। और गजनी की मैं गल सुनाई है जी मैं कहा क्योंकि तुम इतिहास याद नहीं जिस कौम को अपना इतिहास याद नहीं और कौम कदे भी तरक्की नहीं कर सकती जिवें अपना अज हाल होया पंजाब का हाल कोई अज नहीं होया। उस तो बाद बाबर आया बाबर ने अपने अहंकार भेजे जाओ भाई देख के आओ हिंदुस्तान के लोगों का हाल की है वो बिच जाके बह गए जिवें आपां बैठे हैं। किसी ने पूछा भाई जे किसी ने थोड़े ते हमला करता जे किसी ने छोटिया जमीना खोल की कोशिश की करोगे कहते साडे को बड़े वड्डे वड्डे मंत्र ने परिवारां रुक जाणगियां कोपा चो गोले नहीं निकलणगे इतने जे बंदे आ साडे घर आपणा सिद्धी फिरदी है। बाबर नूं गल दसी बाबर कहिंदा लै वी तां काम ही बड़ा सौखा है उन्हें 31 दिनों के हिंदुस्तान फतेह किया जहांगीर तो लैके औरंगजेब तक। मैं नौजवानों याद करना चाहना आज जवानी जी पंजाब की है जो कुछ थोड़े बुजुर्गों का होया थोड़ा पता जो कुछ थोड़िया लावा धीया भैन वट वटेर होया थोड़ा पता है? नहीं पता जे पता होंदा तो पंजाब का अज यह हाल नहीं सी होना। पंजाब कोई अज नहीं मरिया कि दिल्ली ना देश भेजती बिल भेज के अपने तकलीफ हुई है पंजाब उदों ना मरता आ रहा जब महाराजा रणजीत सिंह का राज सी। महाराजा रणजीत सिंह को तीन जरनैल सी बहुत वड्डे जनरल जोरावर सिंह तिब्बत हुण इहनां मैनूं पुछदे भी जनरल जोरावर सिंह कौन सी ऐसा कौन सी जब उन्हें तिब्बत फतेह किया अज भी इत्थे मंदिर बनया होया उहदी याद दा तल लग्या वड्डा सारा जब भी कोई माता गर्भवती हुंदी है उन्हें बच्चा होना हुंदा है उत्थे जाके अरदास करदी है कि मेरे घरे जे पुत्र जम्मे तो जनरल जोरावर सिंह वर्गा जम्मे नहीं तो ना जम्मे। हरी सिंह नरोआ जब पार्लियामेंटेरियम चल रही थी पार्लियामेंट बैठे थी महाराजा रणजीत सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा सी हरी सिंह नरोआ ने कहा महाराजा आ जरा कुत्ता तू कोल बने ध्यान चंद डोगरा यह जरा कुत्ता तू अपने कोल बने ध्यान चंद डोगरा नू मार दे इन खत्म कर दे नहीं तो जिस दिन तू मरिया तो मैं मरिया ए राज पंजाब का टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम पता होना चाहिए उस वक्त की है। और ध्यान चंद डोगरा जब महाराजा रणजीत सिंह की देन अगवाई गई दाग लाया गया अगे हो मरता सी अलंकार रोक कहता सी मैंने देखो जान ना दो कि मैं बच ना जाऊं और ध्यान चंद डोगरा हरी सिंह नरोआ ने चमरौता किला बनाया बैठो मुगल टप्पण नहीं देने जब महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र का विह हो रहा लाहौर हरी सिंह नरोआ ने चिट्ठी लिखी महाराजा रणजीत सिंह को भी साथे साडे ते मुगलों ने हमला करता फौज भेज दी उधर और चिट्ठी ध्यान से डोगरे ने जेब छुपा ली आज जी मैं गल्ला कर रहा इतनी आ जाना चिट्ठिया ले आप इकट्ठे हुए दूजी चिट्ठी लिखी तीजी लिखी हरी सिंह नरोआ चला गया लड़ाई हुई गोली लगी पिट पिछे खत्म हो गया चौथी चिट्ठी महाराजा रणजीत सिंह मिली। मैं दसना चाहना कि जे राजा कमजोर होवे उन्हें जरनैल तकड़े हो तो कन्ना का कच्चा होवे तो उन्हें की हुंदा है मैं वह दसन लगे चौथी चिट्ठी मिली महाराजा रणजीत सिंह ने गड़वा मारिया और जब मारना सी उन्हें सिर पर मार देता मरता जता सदा सिख राज का खत्म होता पंजाब का खत्म होता उन्हें गड़वा बचिया पैरा च उस तो बाद ध्यान चंद डोगरे ने आ पहाड़ी राजिया ने
जेड़े साडे गुरुआं नाल लड़दे रहे हैं, पता नहीं करता कि नहीं पता है, किसी ने पता है नहीं पता, आही रौला है जेड़े साडे गुरुआं दा इनाम कतारी करते रहे इन्हां ने जिंदगी दे विच आके उस पंजाब दे टुकड़े टुकड़े किए। महाराजा रणजीत सिंह दा इक जी पंजाब पजा के मारे, औरतां नंगियां करके पंजाब जाके मार गए। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी अखां च हंझू आ जांदे आ कि उस पंजाब का हाल की होया। कीता इन्होंने लोग 2000 साल गुलाम रहे ने, और जिधर पाकिस्तान बनिया सी उधर एक गल माउंट बैठन ने कही सी, एक गल कही सी कि तुसी इन्हों गुलामी करते होंगे देखे, गुलाम प्रस्त होंगे देखे, जिधर तुसी इन्हों आजादी दे के सत्ता इन्होंने हाथ च फड़ा दी, इथों कौटी कौटी सर रो देंगे। माउंट बैठन ने मास्टर तारा सिंह आखिया, मैं लीडरां दी ते किसी सियासत पार्टी की गल नहीं करता, पर उन्हां बुजुर्गों की गल जरूर करना जिन्होंने पंजाब नूं बेचिया, पंजाब दी सब नूं बेचिया, पंजाब दे रहनुमा नूं बेचिया ते पंजाब दे किसानां नूं बेचिया, उन्हां दी गल करना। मास्टर तारा सिंह इथों जांदा दिल्ली जब 1947 बंद हो रही है, जिन्हां प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उन्होंने बुला के क्या कहता रहा, कहना मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा मिलता लैला दिल्ली तक मिलता, एडा वड्डा पंजाबी सूबा मिलता लैला, कहता जी हमें लैला, कहना मैं इन्हें देखिया, मैं पाकिस्तान ताज कराया ताज जितने लिया, क्योंकि तुम इन्हें गुलाम देखिया जिधर सत्ता इन्होंने हाथ च आ गई, ये थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देंगे, थोड़िया पगा ला के ले जाएंगे, थोड़िया धीया भैं कट के ला जाएंगे, थोड़िया ज्यादा था थोड़ा सब कुछ खोल के ले जाएंगे। लफ सी मास्टर तारा सिंह माउंट बैठन ने आख्या मैं बना रहा एग्रीमेंट पंजाबी सूबा लै ला, मैं पंजाबी सूबे की गल कर रहा किसी धर्म की गल नहीं कर रहा, पंजाबी सूबा लै ला मौज करेगा। हुण साडे ही बंदे जिन्हां पिछे असीं शहीद होए, जिन्हां पिछे असीं अपनियां कुर्बानियां दित्तियां, साडे बुजुर्ग साडियां मातावां सब कुछ जाणदा ना लोकां पिछे, क्योंकि इन्हां दे लोक तसीहे दिंदे सी। मास्टर तारा सिंह नूं जवाहरलाल नहिरू कहिंदा गोदी च बिठा के, अपनी गोदी च बिठा के कहिंदा लै तेरा साडा तां ना मास्टर रिश्ता है, ऐसी तो इतों मां के पिछो जमे। मास्टर तारा सिंह दाली हथ ला के कहता तू की कर, आप कट्ठे रहेंगे, तुसी साडा बुजुर्ग हो, तुसी साडा वध वडेरे हो, असी थोड़ी सेवा करांगे, पंजाब साडा सरताज है, पंजाब साडी मां, पंजाब साडा प्यो, यह जवाहरलाल नहिरू दे लफ्ज ने रिकॉर्डेड। सवेरे मास्टर तारा सिंह जाना माउंट बैटन कहता नहीं जिस तक कट्ठे रहना मेरे पंजाबी सूबा नहीं चाहिए, यह साडे वड वडेरे है जिन्हें आप भेजे उन्होंने किया, उन्हें लख दुहाई पाई विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्हें कहा आजादी ना दई अजे 100 साल होर राज कर लो, ये लोग हिंदुस्तान नरेट सौंप देंगे ना करो, उन्हें फिर क्या पंजाबी सूबा लै लिया, कहना नहीं जी कट्ठे रहना। उस तो बाद जो कुछ होया उसकी कहानी भी मैं तुम्हें सुना सकता, अपना इतिहास पढ़ो देखो थोड़े ने की होया ते की नहीं होया। मैं अपने पिता जी कहता हूं सू मां पिता जी साडे पंजाब ने साडी हिस्टरी में बहुत पढ़ी है, इस तरह क्यों होया, कहते बेटा जिहड़े लोग गुलाम रहे ना बहुत देर गुलाम रहन ते उन्हां दी जंजीरां कट दईए, कोई कोई विरला हुंदा है अकिरत कन मंदी हो मंदा, गुरबाणी च अल्फाज आउंदे है अकिरत कन कहिंदे एहसान परामोश आदमी, एक कंजरी
बंदे दे खोपड़ी दे विच कुत्ते दा मांस रिंग के लई जांदी है, लहू दे नाल ढकिया कपड़े दे नाल। किसे राही ने पुछिया एडी गंदी चीज ढकी क्यों है, पता की जवाब दिता, कोई अकिरत कंती नजारा पे कोई एहसान फरामोश इस चीज नूं देख ना लवे, क्योंकि गुरबाणी कहती है जेड़ा बंदा किसी का कीता भुला दे नरक की जगह नहीं मिलती। मैं थोनों पूछना चाहना जिन्होंने थोड़ा हरिमंदर साहब घाटा साढ़े गुरु घाटा से उन्होंने वास्ते पंजाब की है, पंजाब में छोटा इसलिए किया गया, अज किसान की हित के पर्चा इस करके कटिया गया जे अखीरला पड़ा सी, जे पंजाब का किसान मर गया, जे पंजाब की हौद मर गई, जे पंजाब की मिट्टी मर गई, जे पंजाब की मां मर गई, तो अभी फिर पैर रख के इन्हें राज करा। याद रखियो मैं कौम जगाना चाहना जगा आया, जे तुसी अज भी कट्ठे ना तुरे अज भी तुसी एक मुठ होकर ना चले, याद रखियो मैं थोड़िया धीया भैं कट के लै जाने, थोड़िया पगा थोड़े सब कुछ थोड़िया ज्यादा तक करके लै जाने, तुम्हें भीख मंगिया भी भीख नहीं हो मिलनी करती, याद रखियो जी अपने दिमाग फिट कर लो, अज अज नहीं तो कल कदे नहीं आनी। मैं सिर्फ इस करके कह रहा क्योंकि 65 साल की उम्र के लिए मैं कदे कदे अपने आप मैं जिन्हें सियासतदान के घर पैदा होया, मैं मेरा सका फुफ्फड़ नरेंद्र सिंह तालिब कांग्रेस का प्रधान हुंदा सी, प्रताप सिंह कैरो सीएम हुंदा सी, उदों मैं 5 साल का सी, मैं प्रताप सिंह कैरो नूं वेख्या जब आप दफ्तर च बैठा सी, 2 सेक्टर असी भूआ जी को तेरे से मैं भी चला गया, मेनू सियासतदान बैठने का बहुत मौका मिले, 4 बुजुर्ग आए चादरे कुर्ते पाए लंबे, और कैरो हैगा वह कहता बापू जी आओ 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 बैठो, पैरी हथ ला के अपनी कुर्सी च बिठाया, कहते दसो जी की काम है, कहते तू टट्टू का सीएम है और साडे पिंड पक्की सड़की है नहीं, गड्डे ने वज 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 कर जरिया धूइया तोड़नी है, जट बचारे भोले आई गोद उन्हें ऑर्डर दिता, बड़ा अपना एसडीओ बुलाया, मेरे सामने की गल है जाओ जाके पिंड सड़का पक्की अंदर। प्रताप सिंह कह रहे क्यों मरिया, तुम्हें पता तो मर्डर होया, तुम्हें पता ना कत्ल होया, नहीं मारा किसी किसी को पता, वह कहता सी प्रधानमंत्री मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का, तो अपना देश चला मैं अपना पंजाब चला रहा, इस करके मरवाया। वह आदमी सी जो पार्लीमेंट च खड़ के मारता सी जो मर्जी गल करे हो, मेरे पंजाब के किसानों की गल नहीं करी, लेकिन एक पदनसीबी है कि लोग खत्म हो गए, मैं ना तो कोई लीडर ना मैं उतरना चाहिए ना मैं कोई इलेक्शन लड़नी है, पर मैं इन्नी गल कहना है मेरे घर के भी सवाल करते भी करता जी फिर मैं क्या मैं वह करता फिरता जिहड़ा तुहानू समझ नहीं आता, मैंने लोग मेरे रिश्तेदार मेरे जानकार मैं कहते पर हम पिछले हफ्ते तो की होया मैनू घर च कहते आओ जी प्यारे हो आ साडा बापू आ साडा फलाना, मैं की हो गया कहते जो तू बोलदा ना साडे ते भी असर होया, मेरी औरत मेरे को बैल के रोई है, मेरे बच्चे रोए हैं की कहते बापू जी महीना छटे जे अपने पंजाब वास्ते थोनू शहीद भी होना पै जे तो हो जाए जे सानू फर्क होगा, बस मैं कहीं सुनना चाहता सी अज मैं मेरी गल सुनी मैं बहुत अज बंदा सिंह बहादुर जी का 350वां दिहाड़ा पता किस पता है उस जरनैल देखो साडे गद्दार किने फसदे, मैं हुण थोनू कहानी मर्जी सुनाउण लग्गा सुनियो, बंदा सिंह बहादुर जी चले थापड़ा लैके गुरु गोबिंद सिंह जी को, बाबा बोता सिंह बाबा बंता सिंह बाकी सारे नाराजगी सी भी असि गुरु साहब के नाल रहे, सानू आगू नहीं बनाया बंदा सिंह बहादुर ने तोड़ता, फतेह करता करता लाहौर आ गया, किन्ना फतेह किया 782 मील फतेह करता करता लाहौर पहुंच गया। फाइनल जदों लाहौर पहुंचया
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਲਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਤਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸੱਚ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਘ ਖਲਾਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਸ਼ੋਲੇ ਕਾ ਮੁਝੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਸ਼ੋਲੇ ਕਾ ਮੁਝੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਡਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗੋ ਕੇ ਪੀਣੋ ਪਿਆ ਬਹਾਰ ਕਹੀਂ ਚਮਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਾਹ ਕੰਧ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਫੜਵਾਇਆ ਮਰਵਾਇਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਭਈ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗ ਲਓ ਅਖੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵਾਂ CRP ਹੈ ਭਾਵਾਂ BSF ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਿਓਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਤਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਥੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ 99% ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣੋਗੇ CM ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣੋਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਬਣੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਹੂਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਏ ਸਾਹਮਣੇ CRP ਮਿਲਟਰੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਵੇ
एक इंच या जमीन चीरे भी छठी ना समझूंगा पंजाब की मिट्टी का किताब अपनी मां का किताब है। मैं एन आर आई क्या जे तुसी पंजाब पिछले 80 साल तो छड़ के ना जाते ना तो पंजाब इना नंगा नहीं सी हो जिन्ना नंगा तुसी करता है। पता क्यों? जब कोई भी बंदा अपना घर छड़ के जाता है अपनी मां नू छड़ के जाता है धी नू छड़ के जाता है भैण नू छड़ के जाता है वो घर नंगा हो जाता है। फिर की करते कबूतर आलने पाते तो बगाले आते दब लेते हैं। मैं अच भी इन्हों कहना जिन्हें बारह बोलते हैं आ जाओ हूं मौका है आओ जहाज भर के पंजाब लिया अच्छा पैसा इतने मरा गया इतने जिया गया आपका पंजाब आजाद करके छदा गया। तुसी हैरान तो जरूर हो रहे हो कि एक बंदा पेंट कमीज पा के ट्रैक्टर चला रहा है खेती कर रहा है। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।